दोस्तों अभी आपको दिखा रहे हैं भाई दुनिया की एक ऐसी पहली झील जिसके अंदर रहना, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, जूता मोजा सब कुछ यहीं मिलेगा आप। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल साइड लो, बाईपास दो इनको, बाईपास दो। ये बात तो दोस्तों इस वक्त बैठे हैं भाई श्रीनगर में, और बिल्कुल हमारे होटल के सामने है डल लेक, जो यहाँ की फेमस झील है डल झील। तो अभी हमने रूम लिया था, अभी आए थे क्योंकि हम बाय ट्रेन आए, फिर वहाँ से टैक्सी करी थी, और जो हमारा ये यात्रा होगी वो होगी यहाँ से। अभी हम श्रीनगर घूमेंगे, गुलमर्ग, पहलगाम, फिर कारगिल होते हुए लेह, लेह के जो आसपास का लद्दाख का काफ़ी बड़ा क्षेत्र है तो वो सभी देखेंगे। तो वीडियो में आप बने रहना और फॉलो कर लो पेज को, उसके बाद आपको बैक टू बैक वीडियो मिलती रहेगी कश्मीर की। तो अभी दोस्तों डल झील पे है श्रीनगर में, ये देखो, हालांकि थोड़ी सी गर्मी है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 25 साल में पहली बार ऐसी गर्मी पड़ी है। साल 2024 अगस्त चल रहा है, अगस्त का महीना, और रिकॉर्ड तोड़ा इस बार गर्मी ने यहाँ पे। अन्य कहते थे कि इतनी गर्मी कभी नहीं हुई, लेकिन हमारा सामने उधर होटल था और यहाँ पे रुके हुए हैं शिकारा में सैर करेंगे। ये देखो डिलैक्स, डिलैक्स शिकारा है जी। हाँ जना। ओके, पलटे की तो नहीं है? शूज निकालो, बैठो राजा की तरह, राजा की तरह बैठो। और क्या, राजा तो ही, शूज निकालो राजा की तरह बैठो शिकारा में। शिकारा में राजा की तरह बैठेंगे भाई, ये देख लो। इतनी गर्मी क्यों है यहाँ पे? ये हमने बोला ना 33 साल के बाद आया गर्मी, 33 साल के बाद इतनी गर्मी। साल 2024 अगस्त चल रहा है। चलो जी, चलो अगली बार सर्दी में आएगा, बर्फ पड़ेगी जब, जनवरी में आ जाओ। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम मोहम्मद शफी है। मोहम्मद शफी, तो कितने साल चला रहे हो शिकारा आप? मेरे को हो गया, लासन को हो गया 40 साल। 40 साल शिकारा चला रहे हो? नहीं, लासन को। और हो गया 10 साल पहले, 40 साल पहले, 45 साल पहले चलाया। ओके, बहुत बढ़िया। टोटल कितने शिकारा है इसमें? टोटल यहाँ पर कम से कम 500 शिकारा है। 500? तो नंबर भी नहीं आता होगा शिकारा वालों का? तो नहीं, यहाँ तो शिकारा नहीं मिलता था टूरिस्ट को। जब अब तो खैर ऑफ सीजन है ना, अभी हम सीजन का है, अभी थोड़ा अपना देखो, अपना इंडिया में बाढ़ भी आया बहुत जगह में, इसलिए थोड़ा स्टॉप हो गया। ओके ओके ओके, होगी पानी पे तैरता हुआ, ये तो छोटी मोटी होगी मनीष भाई। भाई साहब, अगर पूरे इंडिया में पानी पे तैरता हुआ इस तरह का बेड मिल जाए कहीं तो बता देना। कितने किलोमीटर लंबी है ये? करीब इंडिया के अंदर ये सबसे लंबी झील है जो 22 किलोमीटर है। 22 अच्छा। किलोमीटर कोई भी झील नहीं है इतनी लंबी इंडिया में। अच्छा। इसमें घूमते घूमते आपको 5 घंटे लग जाएंगे। आराम से सभी लोग घूम रहे हैं। हेलो, ये देखो देख रहे हो ना, उधर एकदम विदेशी लोग है, अंदर ही खाना पीना रहना सब कुछ झील में ही है, सब कुछ, खाने से लेकर सोने तक, पीने तक, और सब कुछ करने तक इसी के अंदर है। जो तैरते हुए घर, ये देखो, इन्हीं में आप रुक सकते हो, रह सकते हो, खा पी सकते हो। क्यों जी? हाँ, बढ़िया है ना सब? बिल्कुल। कोई टूरिस्ट आए तो यहाँ पे कितने घंटे घूम सकता है इसमें? 2-4 घंटा, अभी शाम का टाइम है, अभी थोड़ा 2-4 घंटा घूमेगा आराम से। ओके, जैसे जितने घंटे घूमना है उतने पैसे? सुबह 8 बजे निकलेगा, शाम को 8 बजे वापस आएगा। इतना मजा आता, इतना मजा, अरे क्या बात है। मतलब खाना पीना सब यही मिलेगा? एवरीथिंग, सब, नॉन वेज, वेज, जो मांगेगा वो खाना मिलेगा। नाव में ही आता है, छोटा छोटा नाव में। मछली मांगेगा, मच्छी मांगेगा, मच्छी आएगा। मतलब मैं पहली बार देख रहा हूँ 22 किलोमीटर लंबी झील, कहीं नहीं देखी। हाँ, है ना। ये देखो उधर, ये बोट नहीं है, ये रुका हुआ है, ये एक तरह से एक होटल है, इसमें आप खाना खा सकते हो। रहने के लिए इनमें टूरिस्ट है, इसमें टूरिस्ट भी रुका हुआ है। हाँ, ठीक है ना, हमने तो रोड किनारे लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी आप रुक सकते हो, खा पी सकते हो, इंजॉय करो, बहुत ज़बरदस्त है। मतलब ऐसा जो मज़ा है ना, एक्सपीरियंस है। हम पहले लेक में नहीं बैठे थे, इसमें बोट में, तो हमें लग रहा था यार क्यों बैठना, टाइम पैसा वेस्ट है, लेकिन बैठने के बाद लगा कि भाई वसूल है, पैसा वसूल है। क्यों विकास भाई, पैसा वसूल 100% पैसा वसूल है, पैसा वसूल है, ज़्यादा भी पैसा नहीं है, 1000 के अंडर अंडर में आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत पानी ऐसा नहीं साफ है, थोड़ा आपको नीला दिख रहा होगा, लेकिन देखोगे तो आप साफ पानी है, बिल्कुल साफ है, आप हाथ में उठाओ, बिल्कुल। इसमें गंदगी तो आती नहीं होगी? हाँ, कोई गंदगी इसमें नहीं होता है, इसमें सब टैंकी लगा के। दोस्तों डल झील में घूमते घूमते 5 किलोमीटर आगे आ गए हैं, और यहाँ पे हमें दिखाई दिया एक कमल का फूल, जो ओरिजिनल आपने सुना होगा कमल का फूल तालाब में, झील में, कीचड़ में होता है, तो ये भी फूल खड़े हुए हैं सभी, ये उसी का पत्ता है। देखो उधर खड़े भी है कुछ कुछ, आपको पिंक पिंक कलर के दिख रहे होंगे। और पीछे 5 किलोमीटर से आ रहे हैं हम घूमते हुए, और ये जो पूरी झील है करीब 22 किलोमीटर तक। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल साइड लो, बाईपास दो इनको, बाईपास दो। ये बात
और अभी हम इधर से घूमेंगे ना, इधर से जी जी यहाँ पर गार्डन है जी, इधर देखो यहाँ पर शाहरुख खान आए थे रहने के लिए इस गार्डन में। हाँ, शाहरुख खान आया, उसने एक फिल्म बनाया है जब तक ये जान। ओके, देखा जब तक ये जान? देखा। हाँ, देखा है। वो शिकारा में उसकी बीवी गाना गाता है जिया। यहाँ शाहिद कपूर आया, उन्होंने हैदर मूवी बनाया, ये वो जगह है। ओके, और यहाँ पर एक पश्मीना बन गया, बहुत बढ़िया। यानी करीब यहाँ पे अब तक 50 मूवी शूट हो चुकी है। हाँ, ये बंद रखा इस क्षेत्र में ना, करीब बॉलीवुड की 50 मूवी शूट हो चुकी है। और ये सारे हम शिकारा, इसको शिकारा बोलते हैं, उनको पानी पे तैरता हुआ जो घर है, बोट भी है उनमें, उनमें घर भी है, रिहा भी सकते हैं। और यहाँ से घूमते हुए फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। पीछे हम 5 किलोमीटर से आए हैं, उधर जैसे कि आप देख रहे हो, उधर पीछे की तरफ से आए हैं, और फिर यहाँ से हम आगे की तरफ जाएंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था है, एक्टिव हो गई है। ये देखो भाई ब्रो, जल्दी फिर दुकान, जल्दी फिर दुकान है, मस्त फेरोज है, बढ़िया फेरोज है ना, ओरिजिनल है ना, ईरानी फेरोज। हां देखो, इसने मेरा फेरोजा पहचान लिया। कैसा? बहुत अच्छा, ओरिजिनल ओरिजिनल पहचान लिया ना। लेना प्यार से कुछ गिफ्ट है, घर जाके बोले अगर हमारे साथ जनानी होती तो जरूर लेते। वो घर में होप रहते ना उनका, ये विश्वास रहता है ये लोग कुछ हमारे लिए लेके आए। इसको झुमका भी साथ है, ये पहनते ना सूट पे, ड्रेस पे, वेस्टर्न ड्रेस पे। कितने का है ये? बनते 275 रुपया सेट। अच्छा है, इसका झुमका भी, झुमका कहाँ है? इधर है ये पूरा सेट। अगर दो ले कितने में दोगे बताओ? दो का देता हूँ 550। नहीं नहीं सही बता दो, सही 400 साड़ी भी लेके चलनी, तो सोल भी है। चलो 400। ये देखो ये है भाई अपने, ये देखो ये है कश्मीर, ये कश्मीर का मतलब खासियत तो बताओ, खासियत क्या है? 400 में दे दिया। चांदनी रात होते ना तब स्टोन, इसको कहते हैं उज्ज्वला स्टोन, उज्ज्वला स्टोन। ये बात है, ये बात यार, ये कितने का है? इसको कितने का है? 550 का है। कश्मीर की जल्दी फिर दुकान, हैंडीक्राफ्ट। तो भाई ठीक है, दुकान आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है ये रख लीजिए। दोस्तों अभी आपको दिखा रहे हैं भाई दुनिया की एक ऐसी पहली झील जिसके अंदर रहना, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, जूता मोजा सब कुछ यहीं मिलेगा। आपको कहीं नहीं जाना है, सब कुछ इसी के अंदर मिलेगा। और हम कहीं विदेश में नहीं है, बल्कि हम अपने प्यारे इंडिया में हैं, इंडिया के श्रीनगर में, डल झील के अंदर। और डल झील जैसे कि आप जानते हैं कि भाई पूरी दुनिया की सबसे फेमस झील है। हालांकि इंडिया में तो सभी चीज़ फेमस है, हर चीज़ खूबसूरत है इंडिया की, इंडिया की तोड़ तो है ही नहीं, लेकिन इस झील के अंदर आपको बाहर नहीं निकलना। आप इसमें रह भी सकते हो, खा भी सकते हो, पी भी सकते हो, कपड़ा लत्ता जो आपको चाहिए सब कुछ आपकी सारी सुविधा इसके झील के अंदर मिलेगी। और अभी हम पिछले आधे 2 घंटे से इसके अंदर सैर कर रहे हैं। ये देखो आप कितनी शिकारा है, काफ़ी दूर दूर से टूरिस्ट जो है आ रहे हैं, और सभी के यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, शबनम डिलैक्स, सभी के नाम के आगे बोट के आगे जो है बोर्ड लगा हुआ है। ये देखो बड़े दूर दूर से विदेश है। शाम के टाइम में मज़ा है, जो शाम के टाइम में मज़ा है ना शिकारा में शेयर करने का, वो अलग है। और यही झील सर्दी जब आएगा ना, दिसंबर जनवरी, 6-6 फीट तक जम जाएगी। इसके ऊपर आप चल सकते हो पैदल, पैदल आप पैरों से चल सकते हो, आराम से घूम सकते हो सारे में सर्दी के वक्त। काफ़ी अच्छा खूबसूरत नज़ारा है। हमें 5:30 बजे बोला था, लेकिन आप जब धूप ढल जाए ना तब ज़्यादा मज़ा आता है, सूर्य ढलने के बाद बहुत अच्छा मौसम हो जाएगा।